मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंग्रामपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती जी की 520वीं जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक वंदे मातरम के साथ प्रारंभ हो गई है। इसके पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ रानी दुर्गावती की मूर्ति के पास पहुंचकर माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्वलन कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान डॉक्टर मोहन यादव ने हेलीपैड पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि रानी दुर्गावती ने कुल 52 लड़ाइयां लड़ी हैं, जिनमें से 51 लड़ाइयां उन्होंने जीती हैं। आज उनका जन्म दिवस है, इस अवसर पर हम सभी मंत्रिपरिषद के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सिंग्रामपुर आए हैं। देश और दुनिया में एक अलग मिसाल कायम है। आराम से लड़ा लो, नीचे नीचे कर लो, बोलो यार। देश को गौरवान्वित किया, 52 लड़ाई लड़ी और 51 में विजय प्राप्त की। एक अद्वितीय साहसी का जिसके कोरोना आईडिया गांव में क्षेत्र में आज भी स्पंदन होता है कि कोई रानी हो तो दुर्गा होती है। अपनी ओर से